मिनी ट्रैक्टर ट्री रेस। मध्य प्रदेश में मनोहर दास गुप्ता नामक एक ट्रैक्टर डीलर हुआ करता था। एक दिन कन्ना नामक व्यक्ति एक ट्रैक्टर खरीदना चाहता था। वो अपने दोस्त मुन्ना के पास जाके, यार मुन्ना, मैं खेती बाड़ी के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। परसों ही फसल के पैसे मिले, उससे ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ। 5-6 लाख में एक अच्छा ट्रैक्टर कहीं मिलेगा तो बताना, कहाँ खरीदना ये भी बता देना। क्या यार, तू ट्रैक्टर पैसे दे के खरीदेगा? तू पागल तो नहीं हो गया? पैसे लगा के खरीदेंगे नहीं तो क्या मुफ्त में कोई देगा? पैसों से ही खरीदना है ना यार। कोई जरूरत नहीं है, हमारे गांव में मनोहर गुप्ता बोल के एक नेक और बहुत भोले ट्रैक्टर डीलर है, उसको हम चकमा देकर उनसे मुफ्त में ट्रैक्टर ले लेंगे। चल, उसके पास में ऐसे ही अपना ट्रैक्टर मुफ्त में ले लिया। कन्ना को लेकर मनोहर दास गुप्ता के पास गया, वहाँ उसे झुक झुक के प्रणाम किया। हे मनोहर दास गुप्ता जी, इस गांव में आप जैसे नेक व्यक्ति और कोई नहीं है जी। आप किए हुए सहायता से आज मैं और मेरा परिवार पेट भर के खा रहे हैं जी। आपका ये सहायता मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा जी। ये लीजिए, एक बोरी भर के दाने लाया हूँ सिर्फ आपके लिए, ये लीजिए। ये कहकर उसने भरे हुए दान का एक बोरी दिया। वो लेते हुए खुश होकर, अरे इसकी क्या जरूरत है अभी? अरे अरे, ऐसे नहीं कहते गुप्ता जी, मुझे लगता है आप अपने पिछले जन्म में राजा महाराजा थे शायद, वरना आप जैसे दान करने वाले महाप्रभु को वो भी ऐसे समय में कहीं नहीं देखा है जी। आपका जैसा मन सबके पास नहीं होता है जी। इनसे मिलिए, ये एक गरीब किसान है, खेती बाड़ी करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। इसको भी आप एक ट्रैक्टर दिला देंगे तो आपका नाम पे जिलेगा जी। अच्छा, ऐसा बात है, ठीक है ले जाओ, मेरे पास एक और ट्रैक्टर बचा है उसे ले जाओ। कहकर उन्हें वो ट्रैक्टर दे दिया। वो खुशी से वो ट्रैक्टर लेके चला गया। ये सब देखते हुए जानकी देवी, सुनो जी, आप ऐसे सबको मुफ्त में ट्रैक्टर देते जा रहे हैं? हमारे पास उधार के अलावा और कुछ नहीं बचा है। जो कोई आके आपकी प्रशंसा करता है तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है और बड़े दयालु बन जाते हो। आपको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही है? कभी सोचा है हमारी लड़की की शादी कैसे करेंगे, उसे क्या देकर भेजेंगे? जितना था सब कुछ ऐसे दान में देकर लुटा दिया, हमारे पास और कुछ नहीं बचा है जी। भगवान है ना जानकी, वो सब संभालेगा, तुम बेफिक्र रहो। भगवान क्या कर सकता है जी, अगर हम ऐसे गलती के ऊपर गलती दोहराते जाएंगे तो सब कुछ वही संभालेगा करके सब उनके ऊपर डाल दिया तो कैसे चलेगा, कहकर वो दुखी हो रही थी। तब एक साधु उनके घर आया। पति पत्नी दोनों ने उनकी सत्कार की और उन्हें खाना भी दिया। तब वो साधु बड़े खुश होकर बोले, माँ जी, आप जैसे मेरा आदर किया है ये देखकर मुझे भी आपके लिए कुछ करने का मन कर रहा है। आपके पास जो भी सहायता के लिए आते हैं उनको आप बिना मना किए हमेशा मदद कर रहे हो। अच्छाई और पुण्य कभी नहीं मिटेगा। ये मंत्र जल को ले जाओ और अपने आंगन में छिड़क कर एक पौधा लगाना, वो आपको मिनी ट्रैक्टर देने वाला पेड़ बन के उगेगा और आपको बहुत सारे मिनी ट्रैक्टर्स देगा। ये सुनते ही जैसे साधु ने बताया वैसे ही वो मंत्र जल को ले जाकर आंगन में छिड़क कर वहाँ एक पौधा लगाए। अगले दिन ही वो एक बड़ा वृक्ष बन गया था। उस पेड़ पर ढेर सारे मिनी ट्रैक्टर्स उगे। वो देखकर चौंक कर जानकी देवी, सुनिए जी सुनिए, कल वो साधु के दिए हुए मंत्र जल से पूरे पेड़ में मिनी ट्रैक्टर उग गए जी। अब तो अपना दरियादिली बंद करके दिमाग लगा के उन मिनी ट्रैक्टर से अच्छे पैसे कमाने के रास्ते ढूंढिए जी। तब मनोहर दास गुप्ता ने अच्छे से सोचकर उन मिनी ट्रैक्टरों को तुड़वा के नीचे उतरवाया और जानकी से कहा, जानकी देवी, जो तुमने बोला मैंने उस पर दिल लगा के सोचा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, वो पता है क्या है? इन मिनी ट्रैक्टरों का मैं एक रेस लगाना चाहता हूँ। इस रेस में भाग लेने के लिए सबको एक कीमत देना पड़ेगा और जो जीता उसे हम एक मिनी ट्रैक्टर देंगे। इस तरह उस रेस पर जो पैसे कमाएंगे उससे हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से मनाएंगे। वाह, इतने दिनों के बाद आपने अच्छे से सोचा है जी, नेक काम में देरी क्यों, तुरंत शुरू कीजिए। तुरंत मनोहर ने रेस को अनाउंस किया। ये सुनते ही दोनों कन्ना और मुन्ना, यार वो मनोहर दास गुप्ता फिर से कोई रेस लगा रहा है और उसमें जीतने वालों को मिनी ट्रैक्टर देगा बोल रहे हैं। चलो जाके दोनों एक एक मिनी ट्रैक्टर लेकर आएंगे, कहकर दोनों प्रतियोगिता के पास आकर पैसे जमा करा के प्रतियोगिता में हिस्सा लिए।
रेस में मनोहर दास गुप्ता के मिनी ट्रैक्टर से कोई भी टक्कर न ले पाया और सब हार गए, कोई और नहीं जीत पाए थे। इस तरह इस रेस में खूब पैसे कमा के मनोहर दास ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से रचाई। अंडरग्राउंड ट्रैक्टर रेस। मुन्ना कन्ना नाम के दो दोस्त रहते थे और उनके पास दो ट्रैक्टर भी थे। गांव में सूखा पड़ने के कारण गांव में फसल नहीं डाल पाए, उसके वजह से उनके ट्रैक्टर के लिए कोई काम नहीं था। एक बार मुन्ना चौपाल के पास बैठा था और वहां कन्ना आया। उसे देखकर मुन्ना, क्यों रे कन्ना, अगर सही वक्त पर बारिश गिरा होता तो हमारे ट्रैक्टर बहुत व्यस्त हो जाते थे ना। अब देखो कुछ काम नहीं रहने के कारण मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रे, इस सूखे में मैं तुझे अच्छा बात बताऊंगा, सुनो। हमारे बगल के गांव के जमींदार उनके गांव में एक अलग प्रतियोगिता लगा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में जो जीता उसे अपनी बेटी से शादी करके अपना पूरा जायदाद दे देगा। उसकी जायदाद की कीमत पता है तुम्हें? कम से कम 100 करोड़ की होगी। एक लौटी बेटी होने के कारण घर जमाई के लिए ढूंढ रहे हैं, मगर वो लड़का योग्य है कि नहीं देखने के लिए ये प्रतियोगिता लगा रहे हैं। उसमें गलत क्या है रे, 100 करोड़ का जमींदार अपने बेटी को और जायदाद को कोई समर्थ व्यक्ति को ही देना चाहेगा ना। वो 100 करोड़ की बात सुनते ही मेरा दिल धड़क रहा है रे, और देरी किस बात की, हम भी जाकर उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। चलो, अगर जीते तो सुंदर बीवी के साथ साथ बहुत सारा जायदाद भी मिलेगा, अगर हार गए तो क्या होगा, सिर्फ एक दिन बेकार जाएगा। वैसे भी हम यहाँ बेकार में बैठे हैं ना। रे, रुको रुको, जल्दबाजी मत करो, पूरी बात तो सुन। वो प्रतियोगिता क्या है ये पता है कि नहीं तुम्हें? उसके नियम क्या है पता है तुम्हें? पहले उनके बारे में सुन और उसके बाद सोचना कि जाना है कि नहीं। बोल रे बोल, मैं भी सुनना चाहता हूँ। पानी में मछली के परछाई को देखकर ऊपर लटका ये मछली को तीर मारना है क्या, नहीं तो बहुत बड़ा धनुष को उठाना है क्या? प्रतियोगिता क्या है रे? तुम्हें पुराणों के बारे में अच्छे से पता है, मगर वो सब नहीं है। वो एक अंडरग्राउंड ट्रैक्टर रेस है, उसमें जो भी भाग लेंगे उन सबको अपने खुद के ट्रैक्टर लेकर आना होगा। ओह, बस उतना ही ना? वो क्या बड़ी बात है रे, मैं तो ट्रैक्टर बहुत तेज चलाता हूँ ना। मेरा खुद का ट्रैक्टर है और तुम्हारे पास भी खुद का ट्रैक्टर है ना। चलो हम दोनों उस प्रतियोगिता में भाग लेकर खूबसूरत बीवी को और करोड़ों की संपत्ति को जीत कर आते हैं। देर मत कर, नहीं तो कोई और चौका मारेगा और हम उसके बाद कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले तू मेरी बात पूरी तरह तो सुन ले। वो अंडरग्राउंड ट्रैक्टर रेस है, खुद के ट्रैक्टर से रेस में जो भाग लेगा उसे लड़की और जायदाद मिलेगी, मगर हार गए तो अपने ट्रैक्टर को उन्हें देकर सीधे आ जाना चाहिए। अब बोल कैसा है प्रतियोगिता, ऑफर अच्छा है कि नहीं? अरे बाप रे, हार गए तो ट्रैक्टर को छोड़ना है क्या? ये कैसी शर्त है रे? वैसे हार गए तो ना ट्रैक्टर छोड़ना पड़ेगा, मैं तो जीतूंगा ना, मुझे क्या डर है। चलो मैं वैसे भी जीतूंगा, चलो मेरे साथ। रे, मुझ में तेरे उतना साहस नहीं है रे, अगर मैं हार गया तो ट्रैक्टर छोड़ना पड़ेगा। मेरे पिताजी के बारे में तुझे पता है ना, मेरे पिताजी मुझे मार देंगे, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अगर तुम जीतोगे तो ऐसे ट्रैक्टर 100 खरीद सकते हैं ना रे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो भाई, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मगर प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। ठीक है, कहकर कन्ना को लेकर मुन्ना जमींदार के पास गया। वहाँ बहुत सारा शोर मच रहा था, वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर्स भी थे। उन्हें देखकर मुन्ना, ये क्या रे, यहाँ इतने ट्रैक्टर्स हैं? तूने जब कहा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्रतियोगिता बहुत बड़ा है रे, जो जीता वही सिकंदर। चलो। हेलो, वो ट्रैक्टर सब प्रतियोगिता में हारने वालों के हैं। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, उनमें तुम एक हो, अभी भी टाइम है, मेरी बात सुनो और चलो निकल जाते हैं यहाँ से। लोग सिर्फ हमें देखकर भाग गए सोचेंगे, सिर्फ उतना ही ना, अगर हार गए तो हमारा जीवन आधार ट्रैक्टर भी चला जाएगा। वो सुनते ही मुन्ना, अभी इतना दूर आया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा, प्रतियोगिता में भाग लेके सबसे पहले आकर वो 100 करोड़ जीतकर बहुत जल्द मैं इनका दामाद बन जाऊंगा रे। उतना आसान नहीं है रे, प्रतियोगिता कौन कितना तेज चलाएगा ये नहीं है, ये स्लो ट्रैक्टर रेस है, यानी जो कोई भी बहुत धीरे से धीमी गति से इंजन को बिना रोके चलाएगा वो जीतेगा। अगर गलती से भी ट्रैक्टर रुक गया तो उन्हें ट्रैक्टर देकर आना पड़ेगा। अब तक तो कोई नहीं जीत पाया है, सब ट्रैक्टर को धीरे धीरे से चलाते ही इंजन बीच में रुक जाता था, वहाँ जो भी ट्रैक्टर है वैसे ही रुक गए हैं। कहकर ट्रैक्टर को दिखाया। ये गेम बहुत अच्छा है रे, बहुत चैलेंजिंग है, किसी भी तरह मैं जीतूंगा, कहकर उसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में 3 ट्रैक्टर भाग लिए। जमींदार तब घोषणा करते हुए, आप सबको प्रतियोगिता के नियम पता चल गए हैं ना, देखिए ये मेरी बेटी मित्रा है, रेस शुरू कीजिए। 3 ट्रैक्टर का रेस शुरू हुआ, लोग चिल्लाने लगे।
मुन्ना घबराते हुए धीरे धीरे से चला रहा था, फिर भी वो दोनों ट्रैक्टर के आगे था। वो देखकर मुन्ना मन में, हे भगवान, ये क्या, मैं इतने धीरे से चला रहा हूँ फिर भी सबसे आगे हूँ, और वहाँ कन्ना से मैं चैलेंज करके आया हूँ। भगवान भगवान प्लीज भगवान, बाकी के दोनों के ट्रैक्टर रुक जाए, ऐसा कुछ करिए भगवान, ऐसा प्रार्थना किया। बस उसके पीछे के दो ट्रैक्टर एक के बाद एक रुक गए, मगर ये धीरे धीरे चलाते विनिंग लाइन पार कर लिया। बस सारे लोग पुकारने लगे, लोग विजेता विजेता 100 करोड़ का विजेता विजेता कहने लगे। कन्ना खुशी से उछलने लगा। जमींदार मुन्ना को अपनी बेटी देकर शादी किया, 100 करोड़ का जायदाद का वारिस भी बनाया। तब से मुन्ना खुशी से उस पैलेस में जीने लगा। एक गांव में राधे नाम के एक जमींदार रहते थे। वह बहुत घमंडी थे। वह अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मानते थे। एक बार राधे अपने नौकर से पूछता है, क्यों रे, हमारे घर से भी बड़ा घर किस गांव में किसी के पास है क्या? नहीं मालिक। कैसे होगा, हम सबसे धनवान हैं। खैर, हमारे बारे में गांव में क्या बातचीत हो रहा है? अरे मालिक, आपके महानता के बारे में लोग एक नहीं कई तरह के अच्छे अच्छे बातें करते हैं। वे कहते हैं कि आप बहुत बड़ा भाग्यवान, बहुत बड़ा अमीर और बेहतरीन आदमी हो। ये बात हमको पहले से ही पता है, कुछ नया जो मैं नहीं जानता हूँ वो बोलो। मालिक, मेरा बेटा अभी अभी डिग्री पास होके शहर से लौटा है। वो यही गांव में काम करना चाहता है और उसको एक नौकरी की जरूरत है। मालिक, आप कैसे भी करके उसको नौकरी दिलवाए तो बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। चलो ठीक है, तुम अपने बेटे को कल मेरे पास भेजो। अगला दिन नौकर का बेटा अखिलेश जमींदार के पास आ गया। उसे देखकर जमींदार, कई दिनों से तुम्हारा बाप तुम्हें नौकरी देने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए मैं उस पर और तुझ पर थरस का के कुछ जॉब देने के लिए तैयारी किया। क्या जॉब है सर? मेरे पास कई मॉडल्स के कार्स है, इसलिए मैं तुम्हें ड्राइवर की जॉब में लगा दूंगा। सर, एक ड्राइवर की नौकरी के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, आप किसी और को ये नौकरी दे दीजिए। राधे गुस्से में आया, क्या मेरा दिया हुआ जॉब तुम नहीं करोगे? मेरा मतलब ये नहीं है जमींदार जी, मैं हमारे गांव में ही एक ट्रैक्टर खरीद कर खेती करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा ट्रैक्टर मेरे लेटेस्ट कार से बेहतरीन है। ट्रैक्टर बोल के उसको छोटा मत कीजिए, वो अपनी अलग तरह से बेहतरीन और मजबूत है। कहाँ मेरा सुपर स्पीड कार और कहाँ तुम्हारा ट्रैक्टर? मेरे एक एक कार कम से कम 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं और तुम्हारा ट्रैक्टर इतना स्पीड तो नहीं चलता है। जब मेरा कार सड़क पर चलते हैं तो लोग उनको गौर से देखते रहते हैं। आप गलत बोल रहे हैं, कोई भी चीज को कम नजर से नहीं देखना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी एक विशेषता होता है। आपके कार के स्पीड शायद ज्यादा होगा, फिर क्या वो खेत जोतने लायक है? नहीं है ना सर। तुम्हारा ट्रैक्टर और मेरा स्पोर्ट्स कार दोनों के बीच में एक रेस हो जाए। मैं तैयार हूँ इस शानदार रेस के लिए मेरा शानदार ट्रैक्टर के साथ। साई कहकर एक्सलेटर दबाऊंगा और राई कहकर 100 किलोमीटर ऊपर से चला जाऊंगा। अगला दिन राधे के स्पोर्ट्स कार और अखिलेश का ट्रैक्टर दोनों के बीच में रेस शुरू हो गया। रेस शुरू होते ही राधे का कार बहुत तेज से आगे निकल पड़ा और दूसरी तरफ ट्रैक्टर धीरे से आगे जा रहा था। देखा मेरा कार का कलेजा। अभी रेस तो नहीं खत्म हुआ है सर, ये देखिए ये मेरा खेत, इसमें भी एक रेस हो जाए। ऐसा कहने लगा और अखिलेश अपना ट्रैक्टर को लेके मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ खेत में निकल पड़ा। राधे मन में सोचने लगा, ये रेस भी मैं जीत लूंगा और उसको नीचे रखूंगा। ऐसा उसने सोचा और तेजी से अपना कार चलाया। खेत में कीचड़ की वजह से जमींदार की कार अटक गया और एक गड्ढे में गिर गया। और वो बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगा। अखिलेश अपना ट्रैक्टर को एक रस्सी बांध के राधे को और उसके कार को दोनों को गड्ढे से बाहर निकाल के बचाया।
सही सलामत बाहर आके सर नीचा करके राधे, मुझे माफ कर दो अखिलेश, धन और दौलत की घमंडी से मैं अंधा बन चुका हूँ। कोई किसी से कम नहीं और कोई किसी से बेहतर नहीं, सभी सबके साथ बराबर है। अब मुझे ये बात अच्छी तरह से पता चल चुका है।